ड्रैगन बॉल से विश मांगकर सभी योद्धा यूनिवर्सिटी के पास पहुंचते हैं, जहां पहले से ही कोई था, वह फ्यू था। वहां टाइम पेट्रोलर्स भी आ जाते हैं। इसी बीच फ्यू सभी को बताता है कि उसने टाइम लूप को तोड़ने के लिए डॉगी डॉगी की सहायता ली है और उससे मर्ज हो गया है और इस तरह वह यहां है। फ्यू अपने नए विंग से सभी पर एनर्जी की लहर चलाता है। उसी बीच वहां पर ब्रॉली आ जाता है। वह आते ही गोकू पर एक एनर्जी ब्लास्ट अटैक कर देता है, लेकिन ब्रॉली के ब्लास्ट को कोई काउंटर करता है, जिससे वह ब्लास्ट बीच में ही फट जाता है। गोकू देखता है कि वह कंबर और हर्ट्स थे। ब्रॉली फिर से गोकू पर एक पंच से अटैक करने आता है, जिससे कंबर उसके अटैक के बीच में आ जाता है। कंबर ब्रॉली के दोनों हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अपनी पूरी शक्ति दिखाओ। ब्रॉली गुस्से में आकर एक फैट मारता है और इस तरह दोनों लड़ने लगते हैं। ब्रॉली कंबर को एक फैट मारता है, जिससे कंबर दूर फेंका जाता है। हर्ष जब देखता है कि कंबर दूर फेंका गया है तो हर्ष भी लड़ने चला जाता है। फ्यू कहता है, तो ये सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। फ्यू अपने विंग से एनर्जी शूट करने लगता है। फ्यू अपने तलवार से खास हमला करता है, लेकिन टाइम पेट्रोलर्स और यूनिवर्स 7 के गोकू और वेजिटा फ्यूज हो जाते हैं। फ्यू कहता है, तो दोनों फ्यूज हो गए हैं। फ्यू सभी पर फिर से अपने विंग से अटैक करता है, लेकिन दोनों वेजिटो उस अटैक से बचते हुए फ्यू पर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक कर देते हैं, जिससे फ्यू अपना पावर बढ़ाकर बच जाता है और अपना पावर बढ़ाकर डार्क एनर्जी से घिर जाता है। उसकी दोनों विंग्स बाहर आ जाती है। फ्यू कहता है, क्या तुमने सोचा मैं अपने पूरे लिमिट में था? यह असली शक्ति है जो गॉड्स को भी सरपास कर चुकी है। फ्यू अपने डार्क एनर्जी से एक हमला करता है, जिससे दोनों वेजिटो का फ्यूजन खत्म हो जाता है और दोनों वापस गोकू और वेजिटा में बदल जाते हैं। फ्यू एक और अटैक करता है, जिससे दोनों वेजिटा एक नए डायमेंशन में खींचे चले जाते हैं, जिससे वे फिर से वेजिटो न बन पाए। फ्यू कहता है, अब तुम दोनों की बारी है। फ्यू फिर से अटैक करता है, लेकिन वहां पर सुप्रीम काय ऑफ टाइम आ जाती है, जो उन्हें उस अटैक से बचा लेती है। फ्यू चिढ़ता है और कहता है, एक और मेरे रास्ते में आ रहा है। सुप्रीम काय कहती है, मैं इससे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती हूँ। सुप्रीम काय दोनों गोकू को कहती है, अपना पावर पूरे लिमिट तक बढ़ाओ। गोकू कहता है, लगता है कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दोनों अपना पावर बढ़ा लेते हैं। सुप्रीम काय अपनी एनर्जी से कुछ करती है, जिससे दोनों गोकू की एनर्जी मिल जाती है। दोनों की शक्तियाँ और बढ़ जाती है। क्या दोनों गोकू खुद का पावर अप करके फ्यू को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए देखना न भूले सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का अगला एपिसोड।